ओटमील वाला डे। हाय सर। नमस्ते जी। जी सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं यूपी से बोल रहा हूँ, जिला बिजनौर से। अच्छा अच्छा, क्या सवाल है बताएं? सर मेरा क्वेश्चन ना ये था कि मुझे ना ये 5 ईयर से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, तो मैं आपकी डाइट को ना 1 मंथ से फॉलो करता हूँ। तो स्टार्टिंग में ना मुझे मतलब एक वीक में ही ये हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा शायद, तो ये मेरा फटने लगा था और ग्लो भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अच्छा। बीच में ना एकदम से डलनेस था लगने लगा। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताएं, आप ना अभी मैंने पीछे भी यही जवाब दिया कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? नहीं सर, मेरा ना रेगुलरली वर्कआउट करो आप। सर मेरा ना मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब बोलिए बोलिए। जैसे कि मैं डाइट तो कम्प्लीटली लेता हूँ, बट बस साथ में फिश ऑयल ले रहा हूँ मैं, तो क्या प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन भी जरूरी है? देखिए, जब तक आपको मसले है ना ये, तब तक ले लो आप, ठीक है? जब पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर खाली डाइट पे आ जाए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब तक है तब तक ले लो, क्योंकि देखो इन सप्लीमेंट का कोई नुकसान थोड़ा फायदा ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर एक बार मैं आपको डेली रूटीन बताना चाहता था अपना। हाँ फटाफट बता दो। सर जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैं 1/2 लीटर पानी में नींबू डाल के लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं वॉक करता हूँ 15 मिनट और 15 मिनट एक्सरसाइज। कैसे एक्सरसाइज? 15 मिनट वॉक, 15 मिनट एक्सरसाइज कर लेता हूँ। कैसे एक्सरसाइज करते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा सर, वो ना मतलब मेरा ऐसा हो जाता है, जैसे कि मैं मुझे कोविड की प्रॉब्लम है, 1 ईयर हो गया, तो मतलब मैं रेस नहीं लगाता हूँ। जैसे वॉक करता हूँ ना तो घर पे ही थोड़ा मतलब जंपिंग जैक्स वगैरह ये सब कर लेता हूँ 15 मिनट। अच्छा, फिर वहां से आने के बाद में मैं एक एप्पल और एक बनाना लेता हूँ। अच्छा जी, फिर दोपहर में मैं दही नहीं लेता था पहले, मैंने वो भी ऐड कर दी दही में, सिनेमन पाउडर। अच्छा ठीक है। और हाँ सर मैं भूल गया, मतलब मैं रात को ना ओट्स भिगो के रखता हूँ, सुबह उसमें पीनट बटर डाल लेता हूँ, ऐसी मतलब स्मूदी पूरी नहीं बनाता, ओट्स में पीनट बटर और अलसी, अलसी भी डालता हूँ। अच्छा, और दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर वो ले लेता हूँ। अच्छा और दोपहर में दही और सलाद, सलाद में चकुंदर मूली गाजर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर शाम में भी जी सब्जी रोटी साथ में लेते हो कि खाली सलाद? नहीं सर, हाँ वो तो होता ही है। अच्छा अच्छा, चलिए आगे बढ़े, डिनर बताएं। जी, और फिर शाम में ना थोड़े से ड्राई फ्रूट में किशमिश, काजू, बादाम और अखरोट, फिर डिनर में फिर दोबारा से सलाद, और फिर मैं 45 मिनट वॉक करता हूँ बहुत तेज। अच्छा ठीक है, ठीक जी, गुड गुड। तो सर कुछ कमी है डाइट में? देखो डाइट में कमी तो है, प्रोटीन की बहुत कमी है आपके डाइट में, तभी मैं कहता हूँ अगर एक स्कूप ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता उसका, ठीक है? आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा सर, मुझे ना थोड़ा सा वेट मतलब जी बोलो बोलो हाँ बोलो बोलो सर, मेरे ना मतलब कोविड की जब दिक्कत थी तो मेरे ड्रिप ना मतलब 300 के समथिंग लगी, तो मेरा वेट बढ़ गया था, तो जैसे मैं स्मूदी, तो वो पानी में भी बना सकते हैं स्मूदी? जैसे मर्जी बनाओ दोस्त, आइडिया है कि आपके पेट में जानी चाहिए। अच्छा सर, तो जैसे हमारे यहाँ मतलब फ्लैक्स सीड तो मिलता है, लेकिन वो चिया सीड वगैरह तो मैंने मार्केट में पता करा, वो करे हिंदी नाम बताओ उसका पता नहीं चलता, वो हिंदी में कैसे? अमेज़न से मंगा लो दोस्त, अमेज़न से मंगा लो, सारे लिंक दे रहे कोई वीडियो। हाँ वो तो है सर, मैं ये सोच रहा था ना कभी दोनों एक साथ में ले कुछ दिक्कत हो। अरे नहीं दोस्त, ये तो नेचुरल चीजें हैं, इनसे कहाँ दिक्कत होगी, ये कोई इंजेक्शन थोड़ा बता दिया मैंने आपको जो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और सर एक क्वेश्चन और था लास्ट, मैं बहुत टाइम से ट्राई करता था आपको बहुत ही, मेरे मतलब कुछ साल पहले ना वो निकली थी चिकन पॉक्स जो होती है छोटी माता, तो मेरे ना जैसे ये है गहरे गहरे निशान है ये। हाँ तो सर ये भी भर सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, अगर तो देखो डिपेंड करता है कैसे निशान है, जो माता जब निकलती है चिकन पॉक्स जैसे बोलते हैं तो उसके निशान चले जाते हैं। मैं भी जब 14 साल का था मुझे माता निकली थी, लेकिन वो अपने आप चले गए। आइडिया है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। नए सेल आते हैं, पुराने सेल जाते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। हाँ सर ये है देखो, ये गहरे गहरे आपको दिख रहे होंगे फोरहेड पर, ये और थोड़े सी डाइट पे फोकस करने की जरूरत है, और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाओ अपनी डाइट में।
तो सर सर एक क्वेश्चन और था जो आपने प्रोटीन बताया था, तो जैसे प्रोटीन में सोया चंक जो होता है ना वो मैं भिगो के ले लेता हूँ कभी कभी, और जैसे एग लेता हूँ 2 white egg डेली। व्हाइट एग और जो आपने फुल एग क्यों नहीं लेते सर? वो बोलते ना उस जर्दी नुकसान पीला वाला भाग जो होता है। देखो हेल्दी फैट बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाइट के लिए, डाइट के लिए, ठीक है जी सर। आपकी डाइट में 20% जो होनी चाहिए ना वो हेल्दी फैट होनी चाहिए। जी जी। डायमंड काट डायमंड सुना ना कहावत, फैट फैट को ही काटता है, ठीक है जी जी। हाँ तो बस आप डाइट पूरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और सर आपने जो वो सत्तू बता रखा था तो उसकी जगह कसार भी ले सकते हैं, जो आंगनवाड़ी से कसार मिलता है वो सेम ही होता है दोनों। देखो सत्तू जो होता है चने का पाउडर होता है, ठीक है, चने को थोड़ा सा रोस्ट करके उसका पाउडर बनाते हैं, थोड़ा प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, तो आप वो ले लो कोई बात नहीं, ठीक है। कुदरत से कोई भी चीज आती है ना उसका कोई नुकसान नहीं होता, आइडिया होता है कि आपको कितनी खानी है, ठीक है। तो सर सोया चंक डेली भिगो के ले सकते हैं पानी में? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए अब आपसे बात बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई, किसी और को फटाफट लाइव लेता हूँ मैं।